आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। बेलगाम बंद के आह्वान पर बेहतर प्रतिक्रिया, विधान परिषद के लिए कांग्रेस को 7, बीजेपी को मिली मात। लखीमपुर खीरी कांड एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, अगले साल कोविड वैक्सीन की 5 अरब खुराक तैयार करने का लक्ष्य। स्वर्ण विधानसभा के सामने किसानों का आंदोलन, बेलगुंदी में अन्याय के विरोध में प्रदर्शन। रंगोली के सप्त रंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी, घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी को सोमवार को कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने अवमानित किया। इस घटना के विरुद्ध में महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मंगलवार को बेलगाम बंद का आह्वान किया था। बेलगाम से लगी सीमा पर बंद को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। बेलगाम शहर में ज्यादातर लेन देन बंद रहे, इसके चलते बाजार में कारोबार ठप हो गया। दैनिक गतिविधियों को बंद कर नागरिकों ने इसमें सहज रूप से भाग लिया। मंगलवार को बाजार में नमी रही। मराठी भाषियों के आक्रोशित भावनाओं को देखते हुए परिवहन बोर्ड ने बस सेवा को बंद कर दिया था। नतीजा ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर आना जाना बंद हो गया। स्कूल कॉलेज शुरू हो गए, हालांकि छात्रों की संख्या बहुत कम थी। वहीं शहर के व्यापारिक केंद्रों में भी ओस के संकेत मिले। बेलगाम शहर के मध्य भाग में किर्लोस्कर रोड, गणपत गली, मारुति गली, मार्केट, खड़े बाजार बंद रहे। उसी समय बेलगाम तालुका के सभी गांवों में लेन देन बंद कर दिया गया था। बंद को बेलगुंदी, हिंडलगा, उचगांव, बेलवट्टी, बेनकनहल्ली में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, तो बंद 100% सफल रहा। विधान परिषद के लिए कांग्रेस को 7, भाजपा को मिली मात। विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चन्नाराज हट्टीहोली ने प्रचंड जीत हासिल की है। उन्होंने भाजपा के प्रतिद्वंदी महंतेश कवड़कीमठ को हराकर पहली प्राथमिकता का वोट हासिल किया। निर्दलीय प्रत्याशी लखन जारकीहोली दूसरे नंबर पर रहे। इसलिए एक बार फिर बेलगाम जिले की राजनीति पर कांग्रेस और प्रतिक्रिया ये रही कि विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। बेलगाम ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी चन्नाराज हट्टीहोली लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई है। बताया जा रहा है कि उनके भाइयों की जीत आसान रही है। चन्नाराज हट्टीहोली को पहली प्राथमिकता के वोट मिले हैं। उनकी जीत के लिए केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने कमर कस ली थी। उनके खिलाफ रमेश जारकीहोली ने महंतेश कवड़कीमठ और लखन जारकीहोली के लिए अपना वजन खर्च किया था। हालांकि इससे बीजेपी को गहरा धक्का लगा है। इसलिए यह देखा गया है कि कांग्रेस भाजपा को पीछे छोड़ चुकी है। लखीमपुर खीरी कांड एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने कहा कि लखीमपुर खीरी में किसानों को वाहन के नीचे कुचलना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले के मुख्य आरोपी है। मामले की जांच कर रही पुलिस के टीम के मुखिया ने इस संबंध में जज को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों को सुधारा जाना चाहिए। मामले में आशीष मिश्रा और उनके साथियों पर हत्या और साजिश का आरोप है। एसआईटी ने हत्या के प्रयास और कुछ गंभीर आरोपों को शामिल करने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। ऐसे में यह घटनाक्रम भाजपा के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। इसलिए संकेत है कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल बार बार अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि अभी तक मोदी सरकार इस मांग पर राजी नहीं हुई है। हालांकि जांच में जो नए सबूत सामने आ रहे हैं वे बीजेपी पर बढ़ते दबाव के संकेत दे रहे हैं। लखीमपुर हत्याकांड के बाद से किसानों में लगातार रोष है। इसका असर आगामी चुनाव पर पड़ने की संभावना है। अगले साल कोविड वैक्सीन की 5 अरब खुराक तैयार करने का लक्ष्य।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि अगले साल वैक्सीन की 5 बिलियन खुराक का उत्पादन करने की कोशिश करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने में योगदान देना जारी रखेगा। दुनिया के सबसे बड़े टीकों के उत्पादक भारत ने अन्य देशों में कोविड के टीकों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश की आबादी को टीका लगाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस साल अप्रैल में भारत में वैक्सीन निर्यात को निलंबित कर दिया गया है। गोयल ने कहा कि भारत ने अपने आबादी का टीकाकरण और बाकी दुनिया को टीकाकरण दोनों में बहुत अच्छा काम किया है। साथ ही भारत ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है कि दोनों एक ही समय में संभव है। हम पहले निर्यात करते रहे थे, हम अब भी निर्यात कर रहे हैं। हम सभी को सस्ती कीमत पर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए अन्य देशों को जितनी ज़रूरत है उतने टीकों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। गोयल ने कहा, भारत अन्य देशों के साथ उन्हें चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है और भारत को कई देशों से समर्थन मिला है। स्वर्ण विधानसभा के सामने किसानों का आंदोलन। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार की तरह इस अधिवेशन में राज्य सरकार भी दमनकारी कृषि कानूनों को निरस्त करे। किसानों ने निर्णय लिया है कि अधिवेशन के दौरान इस संबंध में निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अन्याय करने की योजना शुरू की है। उन्होंने किसानों की मांगों की अनदेखी की है। भारी बारिश और बाढ़ के साथ साथ बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के लिए अपर्याप्त मुआवजे की घोषणा की गई है, इसलिए किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों ने मांग की है कि इस प्रथा को बंद किया जाए, इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने मांग की कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। किसानों के इस आंदोलन पर संज्ञान लेते हुए राज्य के कृषि मंत्री बीसी पाटिल और शहरी विकास मंत्री बसवराज भैरती ने यहां आकर किसानों से चर्चा की। हालांकि अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है। बेलगुंदी में अन्याय के विरोध में प्रदर्शन। कुछ कन्नड़ संगठना के कार्यकर्ताओं ने मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी पर हमला कर दिया। इसका निषेध करते हुए समिति कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इसके लिए मंगलवार सुबह गांव में सभा का आयोजन किया गया। कन्नड़ संगठनों की कार्रवाइयों पर गुस्साए प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। कुछ गुंडों ने समिति के अधिवेशन के दौरान खुद को छिपाने की कोशिश की। साथ ही समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी पर काली स्याही भी फेंकी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम इसका प्रखर विरोध कर रहे हैं। गांव के कार्यकर्ताओं ने भी साथ आकर विरोध सभा की। ये भी मांग की गई कि सरकार ऐसे गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटक, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaon. Call is on 0831-240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. Belgaon vasiyon ke pasand mein utra Udaan Bar and Restaurant. Social distancing ka khayal rakhte hue hamara staff deta hai बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम में नगर सर्वेक्षण कार्यालय में भू माफिया बढ़ गई है। इसके खिलाफ विधायक अभय पाटिल ने विधानसभा में सवाल उठाया। उन्होंने मांग की कि इन भू माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
अधिवेशन के पहले दिन हुई चर्चा के दौरान अभय पाटिल ने यह मुद्दा उठाया। नगर सर्वेक्षण कार्यालय में भू माफियाओं और अधिकारियों की साजिश से नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए उन्होंने इन पर नियंत्रण करने की मांग की है। पूर्व में भी इसकी अनदेखी की गई है, ये मामला सामने आता है। अभय पाटिल ने राजस्व मंत्री आर अशोक के संज्ञान में लाया, उस समय राजस्व मंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई का वादा किया। अथनी तालुका में थैलेसीमिया रोगियों के लिए उपचार केंद्र शुरू करने की मांग। सामवेदना मेडिकल फाउंडेशन ने मांग की है कि बेलगाम के अथनी तालुका में थैलेसीमिया रोगियों के लिए एक डे केयर सेंटर और दवा के लिए एक राज्यव्यापी केंद्र स्थापित किया जाए। अथनी तालुका और आसपास के गांवों से थैलेसीमिया के मरीजों को इलाज के लिए कोल्हापुर, सांगली, सातारा जाना पड़ता है। इन मरीजों को उचित इलाज और दवाई मिले, इसके लिए संवादा मेडिकल फाउंडेशन की ओर से मंत्री श्रीमती शशिकला जोले, सांसद अन्नासाहेब जोले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुन्याल, अथनी तालुका अधिकारी ने इसी मांग का बयान आज विधान भवन में दिया। फाउंडेशन के अध्यक्ष बरकत पन्हालकर, बेलगाम संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर महंतेश कामले, अथनी तालुका के अध्यक्ष राजू कामले उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र में 12 विधायकों का निलंबन रद्द करने से इनकार। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 विधायकों का निलंबन रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को निलंबित करने के विधानसभा के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 1.5 घंटे तक बहस हुई। मामले की सुनवाई 11 जनवरी को होगी। विधानसभा में विपक्ष के 12 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया गया। विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विधायकों को विधानसभा में दंगा करने और अध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि निलंबित विधायक सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाएंगे, ऐसा शीर्ष अदालत ने कहा। लेकिन विधायिका को विधायकों के निलंबन पर पुनर्विचार करना चाहिए, ऐसा अदालत ने कहा। शिक्षक भर्ती को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण का आश्वासन। 2015 के बाद से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। विपक्षी समूह ने यह कहते हुए विधानसभा का बहिष्कार करने का आह्वान किया कि शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है। इसके बाद उच्च शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण ने आश्वासन दिया कि वित्त मंत्रालय से इस मामले पर चर्चा कर शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। विधान परिषद में सत्र के पहले ही दिन शिक्षक के रिक्त पद को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता एसआर पाटिल, निरानी हनुमंत रुद्रप्पा, प्रताप रुद्र शेट्टी और अन्य ने 2015 से राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की है। विपक्ष के नेता एसआर पाटिल, निरानी हनुमंत रुद्रप्पा, प्रताप रुद्र शेट्टी और अन्य ने 2015 से राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। नतीजतः शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। दूसरी ओर कई स्नातक, युवा स्वर्ण पदक विजेता नौकरी की उम्मीद कर रहे हैं। जब सदस्यों ने पूछा कि सरकार इन रिक्तियों को कब भरेगी, उच्च शिक्षा मंत्री अश्वत्थ नारायण द्वारा सरकार के इस मामले पर विचार करने के जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। अंत में अश्वत्थ नारायण ने वित्त विभाग से मामले पर चर्चा की और आश्वासन दिया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द ही लागू की जाएगी। गुरुवार से बैंक कर्मचारी हड़ताल पर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बेलगाम डिवीजन द्वारा 2 दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। बेलगाम में गुरुवार 16 दिसंबर और शुक्रवार 17 दिसंबर को सभी कर्मचारी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, इसका विरोध आंदोलन के जरिए किया जाएगा। 16 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे कैनरा बैंक से आरपीडी क्रॉस पर शुरू होगा। जुलूस खानापुर रोड के रास्ते SBI के मंडल कार्यालय तक जाएगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने सभी बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। इंडियन बॉयज हिंडलगा को SRS कप। इंडियन बॉयज हिंडलगा ने ग्रामीण बेलगाम जिले के लिए श्रीराम सेना और कलमेश्वर युवा मंडल साम्राज्य द्वारा आयोजित सीमित 8 ओवर के SRS कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता। चिरमुरी 11 के अजीत सुशांत कोवाड़कर को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज, सुशांत कड़ोलकर को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और फाइनल मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रतीक बालेकुंद्री को दिया गया। गोंडवाड़ में साई भैरवनाथ क्रिकेट कप का आगाज।
बोंडवाड़, यमुनापुर और कंगराली बीके विलेज लिमिटेड साई भैरवनाथ कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हुआ। श्रीराम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कुंडुस्कर ने एसटी को माल्यार्पण कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहला पुरस्कार 20,000 रुपये और एक ट्रॉफी और दूसरा पुरस्कार 10,000 रुपये और एक ट्रॉफी है। इसके अलावा व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता गोंडवाड़ स्थित महात्मा गांधी हाईस्कूल के मैदान में हो रही है। खो खो प्रतियोगिता में शिवाजी हाईस्कूल उपविजेता। क्रीड़ा भारती द्वारा आयोजित खेल महोत्सव में कडोली के शिवाजी हाईस्कूल ने उपविजेता स्थान हासिल किया। खो खो प्रतियोगिता में लड़कों की टीम दूसरे स्थान पर रही। लड़कों की टीम में तानाजी, आदित्य, योगेश, सागर, निरंजन, सुशांत, शुभम, दशरथ, कुणाल, गजानन, दक्ष और अनिरुद्ध शामिल थे। लड़कियों की टीम तीसरे स्थान पर रही। टीम में वैष्णवी, आकांक्षा, प्राजक्ता, सोनम, प्रेमावती, राधिका, नकुशा, नम्रता, प्रणाली, अश्विनी शामिल थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।